तिवारीपुर पुलिस ने थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर के आरोप में वांछित शातिर लुटेरों को चोरी की दी गई बाइक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सलीम पुत्र स्वर्गीय शकील, शादाब अहमद पुत्र शकील तथा सरफराज अहमद उर्फ गोलू पुत्र लड्डन अहमद निवासी जफर कॉलोनी थाना तिवारीपुर शामिल है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पहले भी जेल जा चुके हैं, इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया। ये शातिर किस्म के चोर और लुटेरे हैं। 3 लोगों को जफर कॉलोनी से एक मोटरसाइकिल चोरी गई थी, जिसकी बरामदगी इनके माध्यम से हुई और एक मोटरसाइकिल चोरी की और थाना कैंपियरगंज से संबंधित है जो कुछ दिनों पहले चोरी गई थी वो भी बरामद हुई है। इनमें 3 लोग पकड़े गए हैं, सलीम, शादाब और सरफराज। सलीम के खिलाफ लूट के गैंगस्टर के कई मुकदमे थाना कैंट में पंजीकृत हैं, इसके पहले जेल जा चुका है। शादाब भी इसके पहले जेल जा चुका है और सरफराज। तो इनको थाना तिवारीपुर की पुलिस प्रभारी थाना श्री सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। धारामपुर बंधे की तरफ से इनको पकड़ा गया है, आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। चोरी की दो ही बाइक हैं, अभी बरामद हुई हैं। इनसे गहन पूछताछ की गई है, कुछ नए कुछ तथ्य मिले हैं जिनके संबंध में अलग से छानबीन कर कार्रवाई की जाएगी। चोरी की बाइकों से स्वयं चलते हैं और अपराध कारित करते हैं, इनका मुख्य पेशा यही है।